हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस टाइम मैं लाई हूँ आपके लिए मटर मशरूम। तो सबसे पहले हमने पानी को गर्म करना है, उस पर नमक डाल देना है। गर्म पानी में मशरूम डाल दें, गैस को बंद कर दें। गरम पानी में डालने से और नमक डालने से ये अच्छे से साफ हो जाएंगे, इसलिए इसे ऐसे ही छोड़ दें इसे 2-4 मिनट के लिए। दूसरी तरफ हम फिर से पानी बॉईल करेंगे, उसमें भी नमक डालेंगे। तो हमने ये मटर छील के रखे हुए हैं, अब गरम पानी में मटर डाल देंगे और इसे लगभग 5 मिनट से बॉईल होने देंगे। इसे अब ढककर रख दें। अब हम थोड़ा सा ऑयल लेंगे, उसे अच्छे से गर्म होने देंगे। उसमें थोड़ा सा बटर डाल देंगे। बटर हल्का सा पिघल चुका है। अब इसमें ही हमने प्याज, टमाटर, काजू, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, लौंग, इलायची और दालचीनी, इन सबको एक साथ में ही डाल देना है। तो फ्रेंड्स, इसे बनने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, आप इसे कभी भी ट्राई कर सकते हैं। या इसे हमने 5 से 10 मिनट इसे ऐसे ही इसे फ्राई कर लेना, जब तक ये टमाटर थोड़े से गल ना जाए और प्याज का रंग ना चेंज हो जाए। तो फ्रेंड्स, हमारे ये टमाटर प्याज भी हमारे पक चुके हैं। बस आपका इसी में वक्त लगना है, बाद में तो आपका झटपट बन जाना है। इसे हमने ग्राइंड कर लेना है। तो ये हमने सब निकाल लिया है। अब जो बच गया है ऑयल और बटर, उसमें ही थोड़ा सा बटर और ऐड करेंगे और उसमें हमने मशरूम को फ्राई कर लेना है। तो फ्रेंड्स, ये बेहद टेस्टी रेसिपी है, तो काफ़ी पसंद करते हैं सब लोग इसे खाने के लिए। तो हमारे ये मशरूम भी हमारे फ्राई हो चुके हैं, उसमें ही हमने ये जो मटर उबाले थे उसका पानी छान कर और इसे डाल देना है साथ में। तो साथ में ही हमने हल्दी, नमक, मिर्च पाउडर सब डाल देना है। और इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो इसे हमने लगभग 2-4 मिनट से ऐसे ही इसे फ्राई कर लेना है। अब जो ये मसाला हमने ग्राइंड किया था वो इसमें मिला दें। और थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर देंगे। नमक हमने, जब आप मसाला डालोगे पीसा हुआ तब आपने नमक ऐड करना है इसमें, और अमचूर पाउडर जरूर डालना है। तो
तो ये हमने इसमें पानी डाल दिया है। आप जैसी ग्रेवी चाहते हैं वैसे इतना ही पानी डालें। अब इसमें फास्ट गैस पे इसे एक तो उबाल आने देंगे इसे। इसे धीमी गैस पर इसे सिर्फ 5 मिनट इसे पकने दें और ये थोड़ा सा हमने इलायची पाउडर डाल दिया है, धनिया डाल दें साथ में ही, काली मिरी डाली है हमने उसमें। तो हमारी मटर मशरूम की सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। तो फ्रेंड्स खाइए और बताइए कैसी बनी है। तो फ्रेंड्स आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए। आप इसे रोटी चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं। आई होप आपको रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। इसे बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसलिए आप इसे कभी भी बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।